होमवर्क जो भी दिया करो ना, होमवर्क कर लिया करो, क्योंकि होमवर्क करना अच्छी बात होती है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। भैया ये क्या चल रहा है पीछे? चलो होमवर्क नहीं डिस्कस करोगे? होमवर्क डिस्कस करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। एक डाउट क्लास दूंगा मैं सोल्यूशन की अलग से, जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। बॉइलिंग पॉइंट कर लें, बॉइलिंग पॉइंट में देखो। माइक म्यूट बेटा, थैंक यू। बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? ऐसा टेम्परेचर जिस पे आके कोई भी चीज वो बॉईल हो जाए। अच्छा, पर अगर पूछूं कि डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, कैसे डिफाइन करोगे? एक्सटर्नल प्रेशर, हमारा प्रेशर ऑफ लिक्विड की इक्वल हो जाता है गाइस। राइट, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। ऑलराइट, डेफिनेशन समझ आई आप लोगों को? सो बेसिकली आप बोल सकते हो, इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। और ये टेम्परेचर जहां पर कि ये सब चीजें मेजर करी जाएंगी, दैट टेम्परेचर इज नोन एज व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं बेसिकली। नाउ बॉइलिंग पॉइंट में ना हमारे पास एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जहां पर प्रेशर 1 atm के इक्वल होता है, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर हैज इनवर्स रिलेशन। इन दोनों का कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है, फाइन, ध्यान रखेंगे। नाउ द वर्ड एलिवेशन, एलिवेशन का मीनिंग क्या होता है? एलिवेशन का मतलब होता है अप करना, बढ़ जाना, तो एलिवेट करना। अब एलिवेशन कब होता है किसी भी बॉइलिंग पॉइंट में? आप बोल सकते हो कि व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ, मतलब व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, when non-volatile solute is added to the solvent, the boiling point of solution becomes higher than the pure solvent. Pure solvent से boiling point क्या हो जाएगा? उसका ज्यादा हो जाएगा, that is the की पॉइंट फॉर द एलिवेशन। नाउ बॉइलिंग पॉइंट कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है? सो बॉइलिंग पॉइंट इज एनी टेम्परेचर, दिस कुड बी ऑफकोर्स केल्विन और सेल्सियस मे बी। नाउ एलिवेशन का मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। सो आई कैन से इफ आई टॉक अबाउट एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है डेल्टा टी। और अगर आप बॉइलिंग को डील कर रहे हो चेंज इन टेम्परेचर का, तो आप बी से यूज कर सकते हो, डेल्टा टी बी, दैट इज इक्वल टू समथिंग टी ऑफ सॉल्यूशन
माइनस टी ऑफ सॉल्वेंट, टी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का डिफरेंस होता है मेरा क्या चीज डेल्टा टी वी। अब आप इसको किसी पर्टिकुलर कर्व पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि मान लो मेरे पास ना ये एक कर्व है, इस कर्व पे ये जो चीज है मेरी वाई एक्सिस पे दैट इज माय वेपर प्रेशर और दिस इज माय टेम्परेचर, ऑलराइट। और ये मेरा यहां पर मेरा 1 एटीएम प्रेशर है, इधर मेरा 1 एटीएम प्रेशर है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने के लिए, ठीक है। अब मैं यहां पर ना दो कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, पहला कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूं जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है और दूसरा कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूं जहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। तो इन दोनों कर्व, ये जो दो पॉइंट मैंने ड्रॉ किए हैं, ये दोनों पॉइंट में से कौन से वाला पॉइंट मेरा सॉल्यूशन का होगा, राइट वाला या लेफ्ट वाला? राइट, राइट वाला, ऑलराइट, राइट वाला मेरा सॉल्यूशन का कर्व होगा। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यू नो ड्रॉ दिस कर्व लाइक दिस, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर चेंज विच इज ऑफ कोर्स टी ऑफ सॉल्यूशन, कॉल्ड टी ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी बी से, और टी ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टी बी नॉट से, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस इज नोन एज व्हाट, इट इज डेल्टा टी बी, दिस इज माय डेल्टा टी बी। डेल्टा टीवी इज व्हाट, ऑफ कोर्स एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ इस कर्व से मुझे ये कैसे पता चल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है? सो यू कैन ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस, सी आई एम शोइंग यू अनदर कर्व लाइक दिस। नाउ यू कैन सी इफ आई ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस, सो आई विल चेक दैट this point is you know meeting somewhere here and this curve is intersecting somewhere here. Now if I'm seeing that this is the point which is representing higher vapor pressure and this is the point which is representing lower vapor pressure, now you can see maine kya bola, vapor pressure aur boiling point ka relation inverse hota hai, aur main yahan par kya bol raha hu, jab non volatile solute ko add karte hain hum किसी सॉल्वेंट के अंदर तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सॉल्यूशन का वो हाई हो जाता है। इसका मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा है तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? सॉल्वेंट का। तो इसलिए सॉल्वेंट वाले का कर्व आप मैच करके देखो, इधर लाई कर रहा है कहीं पे, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। सो दिस इज द कर्व विच इज रिप्रेजेंटिंग द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। फाइन, इस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन? No, sir. Good. Now, अब हमारा टॉपिक है इसका प्रूफ, इसका प्रूफ कि हाउ इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैथमेटिकल प्रूफ भी है और जनरल प्रूफ भी है, ठीक है। तो अब मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर दूं इसे। थैंक यू। यस सर। So the next is proof, mathematical proof. For mathematical proof, what I am doing, I am making a curve x y. Fine. One is representing what? It is representing vapor pressure. It is representing what?
टेम्परेचर। फाइन, मेरे पास एक कंडीशन ये ले ली मैंने, तीन कंडीशंस पे ले रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तीन कंडीशन से मैंने एक कंडीशन को लिया टी नॉट विच इज वेरी लेस टेम्परेचर, द नेक्स्ट वन इज टी वन, द नेक्स्ट वन इज टी टू। ऑल राइट, तीन अलग अलग टेम्परेचर ले लिए मैंने, और मैंने क्या किया, वन एटमोस्फेरिक प्रेशर का एक बाउंड्री सा बना दिया इसके ऊपर। ये मैंने वन एटमोस्फेरिक प्रेशर का एक बाउंड्री बना दिया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 एटीएम प्रेशर। फाइन, नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि मैंने अब ये जो तीन पॉइंट बनाए हैं, तीन पॉइंट पर मैं क्या करूंगा, अब तीन कर्व खड़े कर रहा हूं, पहला ऐसे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले, सबसे पहले मैंने सॉल्वेंट लिया, ऑलराइट, फिर मैंने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो T1 हो गया, फिर मैंने और सॉल्यूट ऐड कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया मेरा, फिर से रेज हो गया, और फिर से रेज हो गया तो उसको मैंने टी टू मान लिया। फाइन, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बेसिकली द फर्स्ट कर्व इज सॉल्विंग, दिस इज ऑफ कोर्स दिस इज सॉल्विंग, फर्स्ट वन इज सॉल्विंग, द सेकेंड वन इज, द सेकेंड वन इज सॉल्यूशन वन, एंड थर्ड वन इज सॉल्यूशन टू। फाइन, और मैं इसको ना इधर ज्वाइन कर रहा हूं, जो ये कंफर्म कर रहा है तुम्हारा कि क्या कंफर्म कर रहा है कि जैसे जैसे मैं सॉल्यूशंस बनाता जा रहा हूं, वेपर प्रेशर मेरा क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, नीचे की तरफ आता जा रहा है। फाइन, कोई दिक्कत इसमें? ऑलराइट, नाउ अब आपको क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा मैथ लगेगा। सो पहले मैंने माना एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे ये ट्रायंगल सा दिख रहा है, क्या आप लोगों को दिख रहा है ये ट्रायंगल? अगर अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, पर मुझे ना ये एक ट्रायंगल नहीं, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, और भी सिमिलर ट्रायंगल जिसका जो एक एंगल है वो सेम है ना, ऐसा है भाई, ये वाला एंगल तो सेम है ना दोनों में, ये देखो ये वाला जो एंगल होगा ये तो सेम होगा ना दोनों ट्रायंगल में। अगर मैं इसको मान लो ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, इसको मैं ऊपर वाले को बी मानता हूँ, चलो इस पॉइंट को बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, इस वाले को मैं डी मान लेता हूँ इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैं ई मान लेता हूँ, तो मेरे पास दो ट्रायंगल हो गए क्या ना, इससे यहाँ पर मेरे पास टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, कौन कौन से, तीन, दो ट्रायंगल हैं जिसका एंगल सेम है, एक है ए सी ई और दूसरा क्या है मेरा, ए बी डी, ए बी डी। फाइन, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर मैं लिखता हूँ AC अपॉन में
ए बी, तो ये चीज मेरी इक्वल होगी किस चीज के, ये बता सकते हैं? ए अपॉन ए डी अपॉन ए सी, ए अपॉन ए डी, वेरी गुड। बट अगर मैं इसको ऐसे बोलता ए बी अपॉन बी सी, तो इस नीचे तरफ नीचे क्या होता है, ए डी अपॉन डी ई, ऐसे लिख सकता था मैं। सिमिलर ट्रायंगल की वैसे यही प्रॉपर्टी होती है, बट हम तो एंगल को लेके चलते हैं, तो हमारा मेन सोर्स होता है दैट इज ए, क्योंकि ए कॉमन एंगल को कैरी कर रहा है। फाइन, ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ए बी अपॉन बी सी, सॉरी ए बी अपॉन में, सॉरी ए सी अपॉन में ए बी, और इसके इक्वल में क्या आ गया मेरे, ए अपॉन में ए डी, एक पूरा बेस और एक बीच वाला। फाइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एनीवन, आरुषि कोई प्रॉब्लम? नो सर। नव्या, हिमांशी, श्रुति? नो सर। ओके, अब आप ए को देखो नीचे, ए नीचे देखो कहाँ पर लाई कर रहा है, टी जीरो पे। बी कहाँ पे लाई कर रहा है, टी वन पे। सी कहाँ लाई कर रहा है, टी टू पे लाई कर रहा है। ऑलराइट, सिमिलरली मेरे ये तीन पॉइंट मैं अपने इस तरफ बना लेता हूँ, तीन पॉइंट मैं अपने राइट साइड में बना लेता हूँ, ये वाले एक दो और एक ये तीन, तीसरा दैट इज पी नॉट विच इज 180 एम, दिस वन इज कॉल्ड पी वन एंड द लीस्ट वन इज कॉल्ड पी टू। फाइन, मैंने पी नॉट ऊपर क्यों रखा, पी वन नीचे क्यों रखा, पी टू नीचे क्यों रखा, उस मैंने नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया यहाँ पर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कोई बता सकता है? जैसे टेम्परेचर में मैंने टी नॉट टी वन टी टू लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर पी टू पी वन पी नॉट लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Exactly, P और T में इनवर्स रिलेशन था तो उल्टा होगा बिल्कुल, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर ऑपोजिट रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, AC की जगह पर मैं लिख सकता हूँ, ग्राफ को देखकर देखो, A और C की जगह पर मैं लिख सकता हूँ फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट वुड बी T2 माइनस T0। अपॉन में T1 माइनस T0 AB की जगह पे इज इक्वल टू, में ऊपर लिख सकता हूं मैं पी नॉट माइनस पी टू एक, और नीचे पी नॉट माइनस पी वन। फाइनल माइनस इनिशियल को आप लोग क्या बोलते हो, डेल्टा, सो आई कैन से ऊपर वाला डेल्टा टी टू और नीचे वाला डेल्टा टी वन। ये इक्वल होगा मेरा किसके, डेल्टा पी टू अपॉन में डेल्टा पी वन। माइनस का नहीं आ रहा सर ये? माइनस का क्यों आएगा, पी नॉट बड़ा है ना। अच्छा हाँ ठीक है सर, इनवर्स रिलेशन था ना, कैसे भूल गए। तो इससे आपको एक कंक्लूजन निकलता है कि डेल्टा टी हैज डायरेक्ट रिलेशन विद डेल्टा पी। ये रिलेशन समझ आया? यस सर। नाउ राउल्ट्स लॉ पे आ जाओ फटाफट। राउल्ट्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो राउल्ट्स लॉ का ना एक सॉल्यूशन था, इफ यू रिमेंबर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, इफ माय इक्वेशन वाज एक्स बी इज इक्वल टू में टी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई में पी ए नॉट, ये इक्वेशन थी मेरी। एक्स बी की जगह पर आपने लिखा था एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, इज इक्वल टू सेम, मैं पी ए नॉट की जगह ना सिंपल पी नॉट लिख रहा हूं,
मैं ए और बी कंपोनेंट शो ही नहीं कर रहा, और पी ए की जगह पर मैं सिंपल पी रख रहा हूँ, दिस कुड बी 1, 2, 3 एनीथिंग, नीचे सिंपली पी नॉट लिख रहा हूं मैं. ऑलराइट, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डाइल्यूट सॉल्यूशन. अगर मैं डाइल्यूट, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है सॉल्यूट से, तो उस केस में मैं डिनोमिनेटर से सॉल्यूट को क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा. ठीक है, तो एन बी कैन बी नेग्लेक्टेड. और जब एन बी को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा तो उस कंडीशन पे मेरे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी, इक्वेशन बच जाएगी एन बी अपॉन में एन ए इज इक्वल टू, सॉरी इनटू में पी नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पी नॉट को, इनटू में पी नॉट इज इक्वल टू में डेल्टा पी. फाइन, और डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के हैं, तो आई कैन आल्सो राइट इट डेल्टा टी. फाइन, याद रखना सर. यस सर. कूल, जब यहां तक आपका क्लियर हो गया तो बस फिर आपका आधा तो वैसे ही सॉल्व हो गया. अब आप एक काम करो, एन बी अपॉन एन ए को ना ओपन कर देते हैं, हम एन बी अपॉन में एन ए को हम ओपन कर देते हैं. ओपन कैसे करेंगे, मैं एक बार ये ग्राफ क्लीन कर दूं इस साइड से, या लिख रहे हो आप लोग? कर दो सर. मैं पिक क्लिक कर लेता हूँ, भेज दूंगा आपको ग्रुप में. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैंने इसी इक्वेशन को ना ऐसे बना लेना है मुझे, कि मुझे इस इक्वेशन को NB की जगह पर मैं लिख, NB को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, और NA की जगह पर मैंने लिख दिया वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर चला गया और P नॉट इनटू में रहा, जिसकी वैल्यू मेरी 1 atm थी, तो मैंने उसको 1 मान लिया सीधा सीधा. P नॉट 1 atm था ना, तो मैंने उसको 1 मान लिया, और इधर मेरा डेल्टा पी या डेल्टा टी कुछ भी पुट कर दो. और एन बी अपॉन में डब्ल्यू ए किसके इक्वल होता है, कौन बताएगा? मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इज व्हाट? मोलालिटी. वेरी गुड. किसने बताया, किसने बताया ये मोलालिटी, किसने? श्रुति ने बोला या अरुषि ने बोला? गुड. So this is now delta T, और MA is molar mass of course, और molar mass हमेशा constant रहता है, so I can say my change in temperature is directly proportional to molality. Molality, और molality मतलब mole of solute, तो इसलिए हर colligative property जो होता है मेरा has direct relation, direct relation with mole of solute. So it is colligative property. This is my final answer. All right? Koi dikkat? No, sir. ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? फटाफट से नोट करो, फिर एक और चीज बताता हूँ इसके अंदर अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं. कर लिया सर. फाइन, तो मैं एक बार जरा आगे कंटिन्यू करता हूँ इसी डेरिवेशन को, सो दैट कि हम न्यूमेरिकल की तरफ शिफ्ट हो सकें. नाउ
तो मेरा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया, ऑल्दो ये प्रूफ आने के चांसेस थोड़े कम है, बट स्टिल आपको ये जस्टिफाइड रहना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। पता चले तुमने रट्टा ही मार रखा है, तो रट्टा मारना भी ठीक नहीं होता। तो मेरी इक्वेशन जो आ रखी है वो आ रखी है डेल्टा टी बी, बी स्टैंड फॉर बॉइलिंग। तो मैं क्या करूंगा, प्रोपोर्शनल हटा के ना वहां पर मोलर मास की जगह अब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट लगाऊंगा। ये एक साइंटिस्ट था, आई थिंक उसका नाम था हाँ जी, अरे एक साइंटिस्ट था उसका नाम था पोर्ट्रेल और बैकमेंस, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया था। ठीक है, तो आई गेस इट इज बैकमैन और प्रोब मेथड बोलते हैं इसे कुछ। तो इनटू में यहाँ पे स्मॉल एम आ जाता है, स्मॉल एम इज मोलैलिटी। फाइन, अब ये तो मेरा हो गया नॉर्मल कंडीशन पे, बट अगर मैं इसको वेंट ऑफ फैक्टर बुक के साथ मल्टी वेंट ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूं, वेंट ऑफ इक्वेशन में अगर मैं इसे शिफ्ट कर दूं, तो इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू में एम, वेयर के बी इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट। के बी इज मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, और इसे एक और नाम देते हैं, बड़ा मुश्किल सा नाम है, इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं इसे। यूनिट होती है कैल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, इसकी यूनिट होती है कैल्विन किलोग्राम पर मोल, और इसकी वैल्यू वाटर के लिए फिक्स होती है, वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.52। ये आप हमेशा ध्यान रखोगे, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल इज द वैल्यू फॉर वाटर। फाइन, कोई दिक्कत? आई क्या सर? आई वेंट ऑफ फैक्टर दिया होगा? नहीं, आई मैंने निकाला से शायद, क्या बात कर रहे हो? आई सर उसका समय है इतना हो ही नहीं सकता। नहीं था सर। तो एक बार मीटिंग रिज्वाइन करो, फिर उसके बाद ना हम क्वेश्चंस करते हैं इसके थोड़े बहुत। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारा डेल्टा टीबी is equal to I into KB into में M। This was the formula। और molality आपको बताइए कैसे निकालते हैं, molality कैसे निकालते हैं, mole upon weight of solvent। This should be in kilogram, that's the point। Now, सबसे पहले I की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं आज वो लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, सक्षम देख लेना। ठीक है, I की वैल्यू 1 होती है किस किस के लिए, जो इलेक्ट्रोलाइज नहीं होते, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया और फ्रक्टोज और माल्टोज, लैक्टोज, इन सब के लिए। मैनी मोर एग्जाम्पल्स वी हैव जिनके लिए आई की वैल्यू 1 होती है। उसके अलावा आई की वैल्यू
लेस देन वन भी होती है और ग्रेटर देन वन भी होती है. लेस देन वन जब होती है तो एसोसिएशन होता है और ग्रेटर देन वन होती है तो डिसोसिएशन होता है. ठीक है. सो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार जरा इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना. लेट सी कौन करता है इस क्वेश्चन को कैलकुलेट. सो मैं क्वेश्चन लिख भी रहा हूँ यहाँ पर और आप लोग कोशिश करना सॉल्व करने की फटाफट. सो द क्वेश्चन इज द बॉइलिंग पॉइंट. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 12.0 ग्राम of glucose ka molar mass 180 in 100 gram of water 100 gram of water is 100.34 degree Celsius. Calculate the amount of glucose kb जो मेरा water का दिया हुआ है that is of course 0.52 kelvin kilogram per mole. Fine. इसमें तुम्हें एक चीज कभी भी नहीं देगा वो, और वो चीज क्या होगी? जैसे इसने देखो एक बॉइलिंग पॉइंट जो दिया हुआ है सॉल्यूशन का दिया हुआ है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कभी नहीं देगा वो, क्योंकि वाटर बोला हुआ है उसने. सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. वेरी गुड. तो फिर डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा? 100.34 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपका डेल्टा कितना आ जाएगा? डेल्टा टी B कितना आ जाएगा? 0.34. फाइन. सर आंसर इज 183.5. हाँ आंसर इज 183.5 ग्राम पर मोल. वेरी गुड. फाइन. कैसे सॉल्व किया? हमने क्या किया? 100.34 माइनस किया 100 से, इज इक्वल टू में I को 1 माना तो I लिखने की जरूरत नहीं है मेरे पास. मोल की जगह पे मैंने लिख दिया X अपॉन में 180 बिकॉज आई डोंट नो द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज. इस पूरे के डिवाइडेड बाई में मैंने रख दिया क्या चीज? हाउ मच? 100 अपॉन 1000 बिकॉज इट इज ग्राम, सो आई नीड टू चेंज दिस इनटू किलोग्राम. और फिर उसके बाद इन सब के मल्टीप्लाई में, ये तो मोलैलिटी हो गई, और इन सब के मल्टीप्लाई में मैंने क्या रख दिया? KB की वैल्यू दैट इज 0.52. अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व. X की वैल्यू आ जाएगी. तुम्हें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट डेल्टा. डेल्टा चाहे केल्विन में हो, चाहे डिग्री सेल्सियस में, चाहे फारेनहाइट में, कुछ भी गिवन हो, डेल्टा को कभी भी चेंज नहीं करते. ठीक है. फाइन. समझ आया? यस सर. हिमांशी समझ आया? हिमांशी 98 क्या बोल रहे हो? 98 क्यों आएगा हिमांशी? क्वेश्चन रीड करो एक बार.
The boiling point of solution made by dissolving 12.0 gram of glucose in 100 gram of water. Solvent 100 gram hai. To mole kya hota hai? Given mass upon molar mass, that is 180. So x by 180 is pure ke upon mein maine 100 gram solvent rakha, usko kg mein convert kar diya, 1000 se divide karke. तेरा आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए? क्या आया था आरुषि? 183.5 grams. हाँ हाँ 183.5 gram पाम बोला है, कुछ ऐसे ही है। सर मेरा 11.7 आ रहा है। कितना? 11.7. एक करते हैं, रुको 0.34 is equal to x upon 180 multiplied by 1000 upon 100. 1000 upon 100 into 0.52. तो आपका आंसर गलत आ रहा है, क्रॉस चेक करो एक बार। देखो जीरो से जीरो कट गया और एक जीरो से एक और जीरो कट गया, तो वो तो हट ही गया पूरा का पूरा। 0.34 इनटू में 18 और डिवाइडेड बाय में 0.52। अबे 34/52 × 18 हो जाएगा। एक मिनट में कैलकुलेट करो, जरा रुक जाओ। हैं इसका आंसर 11.76 आ रहा है। कैलकुलेशन तो सही है मम्मी। अरे मोलर मास निकालना, अच्छा अमाउंट निकालना था ना। फाइन, अब मैंने इसमें सब कुछ तो दे ही दिया, क्वेश्चन में ही थोड़ा एरर है, एक बार चेक करके देखो। इस क्वेश्चन में ना मेरे को ये मोलर मास नहीं देना था और मेरे से मोलर मास निकलवाना था, इसलिए आंसर गलत गलत आ रहा है। हमारा मतलब बेसिकली कैलकुलेशन ठीक सा चल रहा था, बट द पॉइंट इज कि हमने थोड़ी सी स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं दिया। कैलकुलेट द अमाउंट की जगह पर यहां पर आएगा मोलर मास। और मोलर मास अगर निकालना आएगा तो फिर थोड़ा सा चेंज आएगा मेरे क्वेश्चन के अंदर, और वो क्वेश्चन का चेंज क्या होगा कि नीचे मेरा क्या होगा, X होगा और ऊपर मेरा 12.5 होगा, 12 ग्राम होगा। सॉरी मैंने क्वेश्चन थोड़ा ऑपोजिट सा दे दिया। अब आ जाएगा तुम्हारा आंसर 183। फाइन, आपने क्या फाइंड आउट किया आरुषि इसके अंदर? यस सर, आ गया। वेट निकाला है। मॉलिक्यूलर वेट या वेट? वेट। वेट? नहीं यार, वेट तो 11 पॉइंट समथिंग आ रहा था हमारा। सो आई हैव यूज्ड द रिलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो तुमने ये क्या कि यूनिटरी मेथड लगा लिया कि पहले वेट निकाल लिया, जैसे वेट मेरा 11.7 आया। yes, तो
तो 12 ग्राम पे 180 होता है मोलर मास, तो 11.7 पे कितना होगा, ऐसा कुछ करा? I have done this question from Pradeep, so I remember it. Okay. ये जो question था ना, इस question में मैंने बस molar mass दे दिया और मैंने amount की जगह molar mass पूछना चाहिए था मुझे, but ठीक है, it's okay. Molar mass के हिसाब से ये question 180 answer, 183.5 answer दे रहा है, और amount के हिसाब से ये question answer दे रहा है 11.2. ठीक है, fine, no problem. ओके फाइन. सो कल हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, क्योंकि कल हमारे पास सिर्फ वो रह जाएगा. कल आई थिंक फेस्टिवल है कोई. कल है परसों है? कल है सर. कल है तो यार मैं सोच रहा था कल इसको फिनिश कर दूं. रखूं क्लास कल? हाँ सर, रख ले प्लीज, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, तो कल शाम को रख लेते हैं. तो कल ना इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, और फिर परसों से हम फिर न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक. सर कल इसी टाइम? क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ मतलब 10th के बाद ही आना. 10th के बाद आना है? नहीं, कल आना है भाई. किसने बोल दिया कल क्लास है? मतलब मेरे कहने का मतलब है इसी टाइम पे आना है ना? जी मैम, इसी टाइम पे ही आना है. Bye. Thank you, sir. Bye-bye. Bye, sir. Good night. Good night. Bye-bye. Sir, wo. Bolo. Point of wala lecture dal dena. Point of wala. Aaj maine ideal solution banaya. आवाज नहीं आई सर आपकी. अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में. ठीक है सर, सोने जा रही हूँ. बाय बाय. बॉइलिंग पॉइंट का राइट, द लास्ट वाज बॉइलिंग पॉइंट राइट. सो वी हैव फ्रीजिंग पॉइंट नाउ. फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ना फर्क होता है. फ्रीजिंग पॉइंट इज बेसिकली जहां पर कोई भी लिक्विड अपने बेसिकली स्पेस को डिक्रीज करता है, स्पेस डिक्रीज करता है, जो स्पेस फैला हुआ है उसको घटाता है. बेसिकली फ्रीज होना इज बेसिकली यू वांटेड टू कन्वर्ट योर लिक्विड इनटू सॉलिड. ऑलराइट, नाउ फ्रीजिंग पॉइंट में ना हमारे पास लोवरिंग ऑब्जर्व होता है. लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट डज इट मीन? It means when we add non-volatile solute in solvent, the freezing point of solutions becomes low. या डिक्रीज बोल सकते, बिकम्स लेस. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या विल बी डिक्रीज्ड. बेसिकली जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो फ्रीजिंग पॉइंट मेरा क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है. राइट, कैसे डिक्रीज होने वाला है देखते हैं. मेरे पास वाटर है. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, कोई बता सकता है? या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, कोई बता सकते हैं? 0 degree Celsius. राइट, 0 degree Celsius मतलब 273 केल्विन. और 0 degree Celsius बोल सकते हो आप. नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर के अंदर मैंने ना KCl डाल दिया, KCl प्लस वाटर कर दिया मैंने. अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना, वो क्या हो जाएगा मेरा? माइनस में समथिंग हो जाएगा, विच इज नॉट जीरो, लेस देन जीरो इट इज. सो डिप्रेशन का मीनिंग क्या हो गया?
एग्जैक्टली उल्टा, वो जो आपने कर्व बनाया था ना उस कर्व से बिल्कुल उल्टा कर्व हो जाएगा मेरा। ये मेरा वेपर प्रेशर अगेन, इधर मेरा टेम्परेचर, एक कर्व ये, एक कर्व ये। वहां पर मेरे पास वन एटमोस्फेरिक लिया था मैंने, यहां मैं वन एटमोस्फेरिक नहीं ले सकता। यहां पर मैं वन एटमोस्फेरिक इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि जब जहां पर आप फ्रीज करते हो, जैसे फ्रीजर के अंदर फ्रीजर जोन अलग होता है और नॉर्मल पानी को ठंडा करने का जोन अलग होता है, दोनों का प्रेशर अलग अलग होता है, सेम नहीं होता कभी भी। इसलिए हम दोनों को कभी भी ना इक्वल नहीं रख सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो कर्व, एक ऊपर बनाना पड़ेगा, एक हल्का सा, एक नीचे बनाना पड़ेगा। जो आगे वाला कर्व होगा वो तो होगा मेरा सॉल्वेंट का कर्व, क्योंकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट इस कंडीशन पे ज्यादा है। एज यू नो अभी मैंने बताया कि सॉल्यूशन में माइनस में हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, तो सॉल्वेंट का ज्यादा और सॉल्यूशन का कम, सॉल्वेंट का ज्यादा सॉल्यूशन का कम, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस इज नोन एज डेल्टा टी एफ कॉल्ड लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेम इसकी भी इक्वेशन वही बनेगी, डेल्टा टी बी जो इक्वेशन बना रहा था बिल्कुल यही इक्वेशन बनेगी इसकी भी। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू में वंस अगेन वेंटहॉफ इक्वेशन बनाएंगे, आई इनटू में वहां पे के बी आ रहा था स्मॉल, बट यहां पर के एफ आ जाएगा और के एफ के साथ में यहां पर क्या आ जाएगा, मोलालिटी। वहां भी मोलालिटी थी, यहां भी मोलालिटी आ गई। फाइन, सो दिस इज माई फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला, एंड इन दिस फॉर्मूला आई हैव के एफ विच इज डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, और दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, सो दिस इज डेल्टा टी एफ। के एफ की वैल्यू वॉटर के लिए फिक्स रहेगी, वाटर की जब हम बात करेंगे तो के एफ की वैल्यू मेरी फिक्स रहने वाली है, दैट इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ के एफ फॉर वाटर। स्मॉल एम इज मोलालिटी, आई यू ऑलरेडी नो दैट वेंटहॉफ फैक्टर। डेल्टा टी एफ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी ऑफ सॉल्वेंट माइनस टी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लो होने वाला है मेरा यहाँ पर, तो डेल्टा टी एफ की जगह पर आप ये भी लिख सकते हो। ऑलराइट, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले इसके ऊपर, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस हैं हमारे एनसीईआरटी में, तो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार जरा। सबसे पहले एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करते हैं। ये टॉपिक नोट कर लिया आप लोगों ने, हेलो एम ऑडिबल? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, किसी की भी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। हिमांशी, नव्या, योगिता, इप्सिता, आरुषि, यस सर, आई एम सेइंग टॉपिक डन। Yes, sir. I've noted down. All right. So now we have some questions. Like I'm giving you one question first. The question from my NCRT. The question is 2 gram benzoic acid. It has molar mass 122. Is dissolved in 25 gram of benzene. Lowers the freezing point of 1.62 Kelvin. Calculate the percentage of association. Calculate the percentage of association when it
forms dimer solution, where the Kf for benzene is 4.9 Kelvin kilogram per mole. ये वैल्यू दे रखी है मुझे. सो दिस इज माई क्वेश्चन एंड आई एम गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट. सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई. आई इज फॉर एसोसिएशन इट वॉज 1 माइनस. Sir, yeah, tell me. We can also use the delta TF equation. Yeah, but firstly we'll calculate I. I is 1 minus alpha plus alpha by N. This was for association. All right. And the value of N is what? 2, because it is dimer. Dimer. So if I put 2 here, my I becomes I is equal to 1 minus, I think 1 minus alpha plus alpha by 2. So if I put all these two value, I guess I'll get this 1 minus alpha by 2. Okay? Fine. LCM nikal ke ye aa jayega mere paas 2i is equal to 2 minus alpha. So alpha becomes 2i minus 2. This would be my alpha. Now I have to find out I to calculate the alpha, because my question is calculate the percentage of association ka matlab mere ko alpha ki percentage nikalni hai. To main sabse pehle ab molality nikale. Molality is mole upon me weight of solvent. So mole is 2 by 122 aur weight of solvent is 25, as you know. इनटू में 1000, बिकॉज़ 25 को मेरे को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फाइन. सो माय मोलालिटी इज व्हाट? माय मोलालिटी इज, इट इज 0.65 आ रहा है इसको कैलकुलेट करके. This is my molality. Now, my delta TF equation is delta TF is equal to I KF M. This is my equation. So my I would be delta TF upon me. What is the value of basically delta TF right now in my question? That is 1.62 given lowering of freezing point. I as it is. KF is 4.9. Molality is 0.655. So if I'll calculate I after cross multiplication, I'll get my value, that would be 0.504. This is my I. Now I'm putting value of I in this alpha. My alpha will be, after calculation, this would be 0.992. So percentage is what? 99.2%. This is my answer. Fine, samajh aa gaya?
फाइन समझ आया? यस सर अंडरस्टूड। नव्या समझ आया? यस सर। इप्सिता, योगिता, fine, I got your text. So freezing point के concept पे हमारे इसी type के questions आएंगे, बस freezing point के concept में आपको grade 11 का एक छोटा सा formula ध्यान रखना पड़ेगा. That formula is dissociation constant. Dissociation constant. That is Ka, small a. This is equal to C alpha square upon me 1 minus alpha. This is dissociation constant, where C is called concentration. Concentration is molality also. C is called concentration. This is also known as molal concentration. Molal, because I'm talking about molality. That's molality. Okay. So this is my concentration term. Fine. So ye formula use hota hai hamara ek numerical NCERT mein. That numerical is 2.32, I guess. So ek baar 2.32 numerical nikal lo NCERT ka fatafat se. Sir, could you repeat? I did not hear you clearly. 2.32 numerical NCERT ka. So the question is, I guess I'm reading the question. You all have NCERT? NCERT have ke paas? NCERT open kar rakhi hai aap logo ne? Navya. Yes, sir. Neend mein ho gaya Navya? क्या सर? बोलो एनसीईआरटी ओपन कर रखी है? हाँ हाँ बोला तो था. हाँ. 2.32 क्वेश्चन देख रीड करो एक बार जरा क्या है. मतलब सर पीडीएफ है ना सर, वो पीडीएफ है ना इसलिए. पीडीएफ क्यों खोल रखी? घर में रहने के बाद भी पीडीएफ कौन खोलता है भाई? मैं घर में नहीं हूँ. अच्छा क्वेश्चन है. कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर. मतलब मेरे को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है. ठीक है, सबसे पहले मेरा काम है डेल्टा टी एफ निकालना. सिंपल सी बात है, आई नीड टू कैलकुलेट डेल्टा टी एफ. दिस इज माई क्वेश्चन. Now the question demand is 10 gram of solute. Diya hua mere ko 10 gram. Kaun sa solute diya hua hai? Ye naam hai iska chlorobutanoic acid. Chlorobutanoic acid. इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 122. मोलर मास इज 122.5 बिकॉज क्लोरीन है वहां पे. तो सबसे पहले मैं मोल निकाल लूं. मोल कितना आ जाएगा? 10 अपॉन में 122.5 0.08 मोल. मोल ठीक है. अगर
n upon 122.5 कितना है 0.08 16 मोल पूरा ही 0.08 16 मोल ये मोल आ गया. सॉल्वेंट कितने में डिसॉल्व कर रहा है वो क्वेश्चन के अंदर डिसॉल्व कर रहा है आपको 250 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर रहा है ना. तो सॉल्वेंट है मेरा 250 ग्राम विच इज 0.25 किलोग्राम. तो मैं सबसे पहले मोलैलिटी निकाल लूं 0.016 upon 250 into 1000 क्यों करेंगे आप. मैंने तो 25 कर दिया ना केजी में कन्वर्ट. अच्छा ओके तो ये मोलैलिटी आ गई मेरी अलग. हाँ तो यहाँ से मेरी ये मोलैलिटी आ गई कि 0.326 मोल पर केजी डिवाइडेड बाय 0.25 इज 0.326 राइट. तो ये मेरा आ गया बेसिकली 0.3264 मोल पर केजी इज द मोलैलिटी. नाउ मेरा क्वेश्चन है कि मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा टी एफ. और डेल्टा टी एफ का जो फॉर्मूला होता है मेरा वो होता है आई इंटू के एफ इंटू में स्मॉल एम. आई के एफ इंटू में स्मॉल एम दिस इज माई फॉर्मूला. नाउ अगर मेरा फॉर्मूला ये है तो मैं क्या करूंगा मोलैलिटी तो पुट कर दूंगा. के एफ मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है वाटर का 1.86 बट मेरे पास आई नहीं है. आई के लिए मेरे को क्या चाहिए. आई का फॉर्मूला मैंने डिसोसिएशन के लिए क्या बताया था 1 प्लस ब्रैकेट में n-1α. ये फॉर्मूला बताया था मेरे को. n तो पता है कि ऑर्गेनिक एसिड है तो ऑर्गेनिक एसिड का n हमेशा 2 होता है. कोई भी मैंने बोला था कोई भी ऑर्गेनिक एसिड के लिए n की वैल्यू हमेशा हम 2 लेते हैं. बट मेरे पास अल्फा नहीं है क्वेश्चन के अंदर. बट मेरे पास ना इस क्वेश्चन के अंदर Ka गिवन है. Ka गिवन है मेरे को कितना समथिंग कुछ 1.4 × 10⁻³ दिया हुआ है. 1.4 × 10⁻³ दिया हुआ है. तो मैं K का फॉर्मूला लगा दूं. K की जगह पे मैं लिख दूं इसकी जगह पे K मेरा किसके इक्वल था C α² / 1 - α. और 1 - α ऑर्गेनिक एसिड है तो मैं हमेशा ऑर्गेनिक एसिड में 1 - α की जो वैल्यू होगी ना इसको मैं 10⁻¹ मानता हूँ. ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम इसको 1 मान लेते हैं पूरे को क्योंकि पूरा पूरा कभी भी नहीं टूटता. ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड माना जाता है. ठीक है तो उस कंडीशन पे सिर्फ C α² बच गया. तो मेरी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी Ka upon में C का अंडर रूट. तो आई कैन ऑल्सो से दिस 14 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन मेरी 0.0816 दैट इज मोलैलिटी और इसका अंडर रूट. तो ये मेरा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी. इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं जरा फिर बताते हैं इसका आंसर कितना आता है. इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कर रहे हैं 14 को डिवाइड कर रहे हैं 0.0816 से तो मेरा आ रहा है 171.56 और फिर इसका रूट निकाल लेते हैं. इसका रूट निकाल लेते 13.09 ये आ रहा है तुम्हारा 13.09 और 10⁻⁴ का रूट क्या होता है 10⁻². रूट के बाहर जाने के बाद तो मैं अल्फा की वैल्यू कितनी बता रहा हूँ यहाँ पर 0.13.
दिस इज माय अल्फा. नाउ अल्फा की वैल्यू को उठा के आप पुट कर दो इक्वेशन के अंदर. अल्फा की वैल्यू को उठा के आप पुट कर दो इक्वेशन के अंदर. इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, आई एज इट इज 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू में 0.13. यहां से मेरी आई की वैल्यू आ जाएगी. तो 1.013 मेरी आई की वैल्यू आ गई. और अब मैं इस आई की वैल्यू को उठा के इस डेल्टा टी एफ में पुट कर दूंगा सीधा सीधा. तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू में आई की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं 1.013, के एफ की जगह पे 1.86 और मोलालिटी की जगह पे 0.0816. इस पूरे का कैलकुलेशन मेरा आंसर दे देगा. फाइन, समझ आया? समझ आ गया? यस सर, अंडरस्टैंड. देन तो ये थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल था, तीन जोन में जाके सॉल्व हुआ है. मोलालिटी अलग, के को यूज करके अल्फा अलग, और फिर आई को पुट करके डेल्टा टीएफ अलग. सो तीन जोन में जाके ये क्वेश्चन खत्म हुआ है तुम्हारा. बट हाँ, इट इज वेरी नाइस क्वेश्चन. ठीक है, तो अब हमारा जो लास्ट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, विच इज बेसिकली राउल्ट्स लॉ. तो उसमें मुझे कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मीनिंग होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट. अगर मैं सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दूं तो मेरा वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इसका इक्वेशन आया है राउल्ट्स लॉ से. तो राउल्ट्स लॉ अगर मैं याद दिलाऊं, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बिकॉज इस स्टेटमेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैं यूज कर रहा हूं, इसलिए राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूज करूंगा मैं इसके लिए. और राउल्ट्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अगर आपको याद हो तो आपकी ये डेरिवेशन आई थी, XB इज इक्वल टू में पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई में पी ए नॉट. दिस वॉज माई लास्ट इक्वेशन बाय राउल्ट्स लॉ. नाउ XB की जगह पर मैं लिख सकता हूं मोल ऑफ बी अपॉन में मोल ऑफ ए प्लस बी और मेरा जो मोल ऑफ ए है इट इज मच मच ग्रेटर देन मोल ऑफ बी के, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट डाइल्यूट सॉल्यूशन, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डाइल्यूट सॉल्यूशन की स्टडी करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो इसलिए हम NB को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे. NB को अगर मैं इसको निगलेक्ट कर देता हूं तो मेरे पास इक्वेशन बचती है NB अपॉन में NA, विच इज योर फाइनल इक्वेशन वुड बी WB अपॉन में MB इनटू में MA अपॉन में WA is equal to simply PA naught minus
PA divided by में PA not. तो न्यूमेरिकल निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा यूज, जो कि आपको लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के टर्म को यूज करने के लिए ये न्यूमेरिकल निकालना है, वेयर बी इज द सोल्यूट का वेट, बी इज द सोल्यूट का वेट और एम बी उसका मोलर मास, डब्ल्यू ए इज द सॉल्वेंट का वेट और एम ए इज द मोलर मास, और पी ए नॉट इज द प्योर वेपर प्रेशर, और पी वी पी ए इज द प्रेशर ऑफ मिक्सचर बोल सकते हो आप, प्रेशर ऑफ मिक्सचर या सोल्यूशन. ठीक है, फाइन. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर. अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे, इसको प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पीए को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लेके जाना पड़ेगा और पीए कांस्टेंट हो जाएगा तो प्रोपोर्शनल साइन मेरा जो होगा वो एनबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल ऑफ सोल्यूट के, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी माना जाएगा. बट नोबडी विल आस्क, just you have to focus on few numericals. So I'm gonna give you so many questions today as your homework because this chapter is over now. So your homework is पहले 2.17 करना है, फिर 2.18 करना है, फिर 2.19 करना है, फिर 2.20 करना है, 2.21 करना है एंड 2.33 यूज करना है. ठीक है, मैं कुछ मास दे देता हूँ क्वेश्चंस के लिए. ऑक्टेन का मास पूछ सकता है, 14 आएगा, 114 आएगा. और एक क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन है फ्लोरो एसिटिक एसिड का, फ्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पूछ सकता है. मोलिकुलर मास की यूज पढ़ सकती है न्यूमेरिकल में और उसका मास होता है 78 इक्विवेलेंट टू बेंजीन. सो ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, 2.17, 18, 19, 20, 21, 33. ठीक है, ग्लूकोज इज 180 यूज हो सकता है, सुक्रोज इज 342. फाइन, तो आप लोग ये होमवर्क कर लोगे? यस सर. आरुषि? यस सर. नोट कर लिया क्वेश्चन 2.17, 18, 19, 20, 21, 23? यस सर, डन. ऑलराइट, ये सारे क्वेश्चंस आज करने हैं आपको बिकॉज चैप्टर ओवर हो चुका है. अगली क्लास में हम कुछ नया चैप्टर शुरू करेंगे. ठीक है, फाइन. ओके सर. सर कौन सा स्टार्ट करोगे? कोई ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक ठीक है. आप यूज कर सको 12th वाली ऑर्गेनिक में इजीली तरीके से. फाइन, ठीक है. ओके सर, थैंक यू सर. ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन करके आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, फिर उसके बाद अगली क्लास में हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे. ठीक है, ऑलराइट. Okay, so. So, that's it for today. Have a nice day. Enjoy. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir.